हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसटी फोन लर्न में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर के एक बड़ी नोटिस जारी की गई है आप सभी छात्रों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करती हूँ कि आप लोगों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर के क्या नोटिस आई है, कब से आप लोगों के ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलने वाले हैं और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सारी अपडेट्स मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अपडेट बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही प्राप्त हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि विश्वविद्यालय की तरफ से या विश्वविद्यालय के अपडेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स है वो सारी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जैसे ही नोटिस में आप देखिएगा तो यहाँ देखिए आप सभी को ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में ये नोटिस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से यह अधिसूचना में आप सभी को बताया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय परिषद एवं समृद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 18 मई 2022 से लेकर के 3 जुलाई 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। साथ ही समस्त शिक्षकों एवं कर्मियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्राचार्य समस्त समृद्ध महाविद्यालय संकाय अध्यक्ष निर्देशक विभाग अध्यक्ष पाठ्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय परिषद के द्वारा किसी भी परीक्षा शैक्षणिक कार्य हेतु बुलाए जाने पर उपस्थिति होना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। प्राचार्य समस्त समृद्ध महाविद्यालय संकाय अध्यक्ष निर्देशक विभाग अध्यक्ष पाठ्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा संबंधित शिक्षक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने, आंतरिक मूल्यांकन अध्ययन बोर्ड का कार्य संपन्न करने के बाद ही अवकाश का उपभोग करेंगे। ग्रीष्मावकाश की उक्त अवधि में शैक्षणिक परीक्षा संबंधी कार्यों में संलग्न शिक्षकों को नियमानुसार प्रतिकर अवकाश देय होगा। उक्त अवधि में विश्वविद्यालय कार्यालय यथावत खुले रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नोटिस है जो कि दिनांक 17/5/2022 को ये अपडेट किया गया है आप सभी को नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि आप लोगों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टी है जो कि 18 मई 2022 से लेकर के 3 जुलाई 2022 तक ले ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि 18 मई से लेकर के 3 जुलाई तक ले आप लोगों की छुट्टी रहेगी गर्मी की। और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो प्राचार्य समृद्ध समस्त महाविद्यालय के जो संकाय अध्यक्ष निर्देशक विभाग अध्यक्ष पाठ्यक्रम के जो समन्वयक विश्वविद्यालय परिषद के हैं, इन सभी की परीक्षा या फिर तो शैक्षणिक कार्य हेतु यदि बुलाया जाएगा तो वहाँ पे उन्हें जाना है जो कि उपस्थिति होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोगों की ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर के ये अपडेट्स आ गई है विश्वविद्यालय की तरफ से। अब 18 मई से आप लोगों की विश्वविद्यालय है जो कि बंद रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज है जो कि 17 मई हो चुकी है, कल से आप लोगों की विश्वविद्यालय है जो कि बंद रहेगी और आप लोगों की अब 4 जुलाई को विश्वविद्यालय खुलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अपडेट्स अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी अपडेट्स है वो सारी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।